हेगा से चल रहा भाई। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5, और आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके यार माइकल द प्रेसिडेंट के साथ। तो आप लोग याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने यार पीटर के बेटे के साथ एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया था पीटर को यार पकड़ के खत्म करने का, पर हमारे पूरे के पूरे प्लान पे यार पानी फिर गया, पीटर ने अपने बेटे को भी मारा। एंड अभी हम लोग को उसकी पावर पता चल चुका है गाइज, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसने पता नहीं कौन सा बॉडी सूट पहना है जिससे मारना बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी स्नाइपर से उसे हेडशॉट मारा था पर उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और साथ में गाइस जो उसकी सिक्योरिटी है वो तो बहुत ज्यादा तकड़ी है, पर हम लोग हार नहीं मान सकते ना, हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं। मैं अभी व्हाइट हाउस आ चुका हूँ, मेरे को लेस्टर से बात करनी है, कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ भी हो जाए यार पीटर और डगन बॉस को खत्म करना है। तो भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करें ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए। और हाँ यार आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो यार, इस वाले चैनल पे एक घंटे वाले एपिसोड आते हैं, एंड जो मेरा सेकंड चैनल है बीबी प्लेस, उस पर आप लोग को छोटे छोटे भाई वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो दोनों चैनल पर यार अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया करो, और इसका जो अगला वाला पार्ट है ना वो उसी चैनल पर आएगा, तो प्लीज जाकर जरूर देख लेना। बाकी गाइज अभी एक काम करते हैं, फटाफट से चल के लेस्टर से बात करते हैं। लेस्टर ना फिलहाल अभी पॉलिटिशियन से बात कर रहा है, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा। वैसे मैंने उसे कॉल किया था फोन पे, मैंने उसे सारी चीजें बता दी है। और हाँ गाइज हमें पीटर के बेटे की डेड बॉडी भी नहीं मिली, पता नहीं उसके साथ उसने किया क्या है। जिस तरीके से उसने भाई शॉर्ट गन से उसे मारा था ना, मुझे लगता है पक्का उसने बॉडी जला वला दी होगी। हेलो लेस्टर, तो मैंने तेरे को कॉल तो कर ही दिया था, तुझे पता लग गया होगा कि भाई क्या चल रहा है लॉस सांटोस में। हाँ मुझे पता है कि पीटर अभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो पागल हो गया है भाई, हमें खत्म करने के लिए कुछ भी कर रहा है। और सबसे खतरनाक चीज, उसने पता नहीं कौन सा बॉडी सूट पहना है, मैंने स्नाइपर से उसे हेडशॉट मारा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या करना है, एक मिनट तू साइड में आ, ये तो पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा डर जाएगा। और गाइस पॉलिटिशियन ने तो घर से निकलना ही बंद कर दिया है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग इसके लिए कमांडोज भेज देंगे। तो लेस्टर क्या करना है मेरे को ये बता यार, क्योंकि हमारे जो बीस्ट कमांडोज है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर भाई क्या करें, हमारे पास वेपन नहीं है। ओके स्पेशल बुलेट्स का यूज करें। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार एक काम करते हैं, पहले स्पेशल बुलेट्स को यूज करके देखते हैं। देख मेरे पास तो बिल्कुल भी गोलियां नहीं है, सारी की सारी वेस्ट हो चुकी हैं। ट्रेवर के पास थोड़ी बहुत पड़ी थी, उसने भी शायद वेस्ट कर दी होंगी। ठीक है साइंटिस्ट से बात करें। ओके तो मैं एक काम करता हूँ ना यार, साइंटिस्ट को कॉल लगाता हूँ और साइंटिस्ट से पता करता हूँ। तो गाइस एक काम करते हैं ना, पहले फटाफट से साइंटिस्ट को कॉल करते हैं, साइंटिस्ट को बोलते हैं भाई स्पेशल बुलेट्स के लिए शायद उनके पास मटेरियल वगैरह पड़ा हो तो वो जल्दी से जल्दी बना दें। तो अभी मैंने साइंटिस्ट से यार बातचीत कर लिया, और साइंटिस्ट यार हमारे बहुत ज्यादा बढ़िया है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट बिल्कुल टेंशन ना ले, प्रेसिडेंट जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, पर उनके पास ना कुछ मटीरियल कम है तो हमें जल्दी से जल्दी मटीरियल चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि भाई मटीरियल मंगवा लो, तो वो लोग बोल रहे हैं कि यार एक से दो दिन लग जाएगा लॉस सांटोस के बाहर से, पर मिलिट्री बेस पे वो मटीरियल मिल सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ लेस्टर, मैं जाके ना स्पेशल बुलेट्स का इंतजाम करता हूँ। तो एक काम कर, अपने पॉलिटिशियन के यहाँ ना 20 कमांडोज भेज दे और बोल दे इसे टेंशन ना ले, जब तक हम लोग हैं ना लॉस सांटोस में इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, बाकी मैं निकलता हूँ यार यहाँ से। मैं एक काम करता हूँ गाइस, बाहर चल के पहले मिलिट्री कर्नल को कॉल किया जाए, मटीरियल वगैरह पता किया जाए, उसके बाद ही हम लोग बुलेट्स वगैरह बना सकते हैं। और एक बार बुलेट्स रेडी हो गई, जो तुम लोग देख रहे हो ना गाइस पीछे के साइड जो अपने 20 कमांडोज खड़े हैं, हाईटेक वेपन देखो किसी काम के नहीं है। पीटर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हाईटेक वेपन काम नहीं आ रहे, पर स्पेशल बुलेट्स काम आ सकती है। और एक बार आप लोग व्हाइट हाउस को चेक करो गाइस, यहाँ पे सिक्योरिटी तो पहले सी थी, हम लोगों ने 20 कमांडोज लगा दिए हैं, एंड पीछे के साइड एयर डिफेंस तुम लोगों ने देखे ही होंगे गाइज। एयर डिफेंस हम लोगों ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लगाए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता पीटर कहीं पर भी अटैक करे, और एयर डिफेंस होंगे तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मिलिट्री के कर्नल को कॉल लगाते हैं और उससे जल्दी से बातचीत करते हैं। तो अभी मैं मिलिट्री कर्नल को यार काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, पर यार मिलिट्री कर्नल फोन ही नहीं उठा रहा है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे बिजी है। पर गाइस अभी हमें इतना इंपॉर्टेंट काम है कि मुझे खुद जाकर बात करनी पड़ेगी मटीरियल की, तभी हम लोग स्पेशल बुलेट्स बना पाएंगे। और एक मिनट लेस्टर, तू बाहर क्या कर रहा है? ठीक है कमांडोज को लेकर जा रहा है पॉलिटिशियन के मेंशन पे। ठीक है एक काम कर, तू वहां जा, मैं यार सीधे मिलिट्री कर्नल से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहा है और अभी हम लोग और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो तू भी निकल, मैं भी निकलता हूँ। बाकी गाइस मैं जा रहा हूँ अभी अपनी प्रेसिडेंट वाली कार से, क्योंकि ये कार ना फुल्ली बुलेट प्रूफ है। और देखो मैं अपने साथ अभी कमांडोज को नहीं ले जा रहा, मैंने सबको सिक्योरिटी दी है, माइकल तो जैसे तैसे निपट ही लेगा, पर यार देखो अपनी टीम को ना बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक मिनट भाई, ये मिलिट्री का बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? हेलो ऑफिसर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है मिलिट्री कर्नल ने भेजा है, अभी मैं उसे काफ़ी देर से कॉल कर रहा हूँ। ओके
तो भाई ऑफिसर बता रहा है कि मिलिट्री कर्नल है यार, मिलिट्री बेस में नहीं है, एक इंपॉर्टेंट काम से गया और माइकल को भी वहीं पे बुलाया है। तो ठीक है ऑफिसर, मैं एक काम करता हूँ, सीधे वहीं पे जाता हूँ। अच्छा रहा तूने आके बता दिया, और लेस्टर भी देखो यार अपने 20 कमांडोज के साथ निकल गया। अच्छा इसीलिए मिलिट्री कर्नल मेरा फोन नहीं उठा रहा है, पर चलो ठीक है, उसने मेरे को जहाँ पे बुलाया मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या रहा है वहाँ। काम करते हैं, चल के देखते हैं। और ये ऑफिसर मेरे को सिर्फ बताने आया था, मैं काम करता हूँ ना वहीं चलता हूँ, चल के मिलिट्री कर्नल से भी बात कर लूँगा। और मुझे उससे बात करनी है स्पेशल बुलेट्स बनाने की, क्योंकि देखो बुलेट बनाने का जो सामान होता है ना वो लॉस सैंटोस के बाहर से अगर मंगवाते हैं तो टाइम लग जाएगा, पर मिलिट्री बेस में ना सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो हमें ना बस बहुत सारे बुलेट्स बनानी है, और सारी टीम को हम लोग बुलेट्स देंगे, और फिर जाएंगे सीधे भाई पीटर के बंदों के सामने, फिर देखते हैं वो क्या करता है। भाई बहुत ज़्यादा बड़ा वाला डॉन बन रहा है ना वो। तो अभी मैं यार उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ जो लोकेशन मेरे को मिलिट्री के ऑफिसर ने बताई थी। एंड गाइस ये तो पुरानी फैक्ट्री की लोकेशन है ना, मुझे नहीं पता मिलिट्री कर्नल कर क्या रहा है, और मैंने रास्ते में आते आते भी उसे कॉल किया था पर उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। ज़रूर गाइस कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा तभी वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। ओके तो एक काम करता हूँ फैक्ट्री की लोकेशन पे चलते हैं। लोकेशन तो गाइस थोड़ा ऊपर की दिखा रहा है, और मैं आज यार प्रेसिडेंट वाली कार तो लेकर आ चुका हूँ पर इसको चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो है तो फुल्ली बुलेट प्रूफ और सबको पता भी लग जाता है कि प्रेसिडेंट आ रहा है, पर इस गाड़ी से ना थोड़ी दिक्कत आती है। ओके लोकेशन गाइस यहाँ कहीं की दिखा रहा है, एक मिनट सामने मेरे को कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स नज़र आ रहे हैं। एक मिनट एक काम करता हूँ बाइक कार को यहाँ लगाता हूँ, और मिलिट्री कर्नल तो यहाँ है ही नहीं। हेलो ऑफिसर, हम मिलिट्री कर्नल का है। ओके ठीक है, तो मिलिट्री कर्नल से मिलने के लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ वो कर क्या रहा है। ओके तो ऑफिसर बोल रहे हैं सर आपको वहीं जाके पता चलेगा, और वहाँ आप इस कार से नहीं जा सकते तो हमें इन बाइकों से जाना पड़ेगा। हद है भाई, ऑफ रोडिंग वाली बाइकें लेकर खड़े हैं, शायद इन्हें पता होगा कि मैं इस वाली कार से आ रहा हूँ। ठीक है ऑफिसर एक काम कर, तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता गाइस मिलिट्री कर्नल वहाँ कर क्या रहा है इतना ऊपर। भाई मिलिट्री बेस इतना ज़्यादा दूर है और ये पहाड़ों की तरफ क्या कर रहे हैं भाई। ज़रूर गाइस इन्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि मिलिट्री कर्नल अपनी टीम को लेकर ऐसे ही तो नहीं आने वाला, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। तो एक काम करता हूँ अभी ऑफिसर के साथ चलता हूँ। और भाई ये बंदा कैसे बाइक चला रहा है, एकदम से पहाड़ से नीचे ही गिरा दी इसने। हद है भाई, इसे तो रास्ता पता होगा, बट गाइस मुझे थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा। सही में यार कोई भी कार यहाँ आने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देती। हाँ ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियाँ आ जाती, बट अच्छा हम लोग बाइकों से आ गए, अभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके ऑफिसर और कितना दूर जाना है यार, ये तो चलता ही जा रहा है, देखो इसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। भाई काफ़ी ज़्यादा दूर लेकर आ चुका है, मेरे को गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी यार, क्योंकि देख रहे हो पहाड़ एकदम, भाई यहाँ पे देखो खड़ा पहाड़ है। आराम से चलते हैं, और सामने मुझे काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर नज़र आ रहे हैं मिलिट्री वालों के। भाई पूरा का पूरा यहाँ पर बेस बना रखा है यार जंगल के बीचों बीच, ये चल क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ देखो गाइस यहाँ पर भी कुछ ऑफिसर्स खड़े हुए हैं। एक मिनट पहले मैं काम करता हूँ उनका कैमरा निकाल के चेक करता हूँ गाइस, ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। और मिलिट्री कर्नल भी गाइस मेरे को नज़र आ रहा है, काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, पीछे के बंदे खड़े हैं, पूरा आइलैंड घेर रखा है, क्या सीन है चल के पता करना पड़ेगा। एक काम करते हैं बाइक स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं। और गाइस ये ब्रिज ना पक्का मिलिट्री वालों ने ही बन पाया है, एंड यहाँ देखो चारों तरफ मिलिट्री के बंदे ही बंदे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है गाइस ये किसी चीज़ की तो तैयारी कर रहे हैं। और वो देखो मिलिट्री वाला ऑफिसर भाई मेरे को सीधे लेकर आ चुका है ऊपर की साइड। ठीक है तो पहले एक काम करते हैं बाइक को साइड में लगा देते हैं, बहुत सही, पहले बाइक को कहाँ लगाते हैं। बाकी तुम लोग चारों तरफ चेक करो गाइस, मिलिट्री के बहुत सारे बंदे हैं, ऐसा लग रहा है इन लोगों ने बेस बना रखा है। हाँ ऑफिसर मैंने मिलिट्री कर्नल को देख लिया है, मैं एक काम करता हूँ जल्दी से वहाँ जाता हूँ और जाकर मिलिट्री कर्नल से बातचीत करता हूँ। गाइस ये अपने ऑफिसर से बात कर रहा है, और यहाँ भाई सर्वर वगैरह पूरे लेकर आ चुका है, हैकिंग वगैरह चल रही है। भाई चल क्या रहा है आखिरकार यार ये सब, और वो देखो सल्यूट वगैरह कर रहे मेरे को देख कर, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो मिलिट्री कर्नल, भाई क्या चल रहा है मेरे को कोई बताएगा यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो इस जंगलों के बीच में आइलैंड पे। ओके भाई ये क्या बोल रहा है, टेररिस्ट अटैक होने वाला है लॉस सैंटोस में, भाई पक्का पता है ना तुझे। ठीक है तो मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि यार काफ़ी टाइम से यार एक चीज़ पे नज़र रखे हुए थे, इनके इन्फॉर्मर ने बताया कि लॉस सैंटोस में कुछ ही दिनों में टेररिस्ट अटैक होने वाला है, और ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक होगा। तो मिलिट्री कर्नल को पता लगा है कि जो टेररिस्ट है वो इसी साइड से यार लॉस सैंटोस में एंटर करेंगे, क्योंकि ये वाला एरिया ना एकदम दूर है
एंड पूरा का पूरा ओशन की तरफ देख रहे हो ना, दूर दूर तक गाइस कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे सड़कें हैं, कुछ भी नहीं है, और ना यहाँ पर शिप आती है, ना जहाज, कुछ भी यहाँ पर नहीं आता है, तो कोई नजर ही नहीं रखता। सही है मिलिट्री कर्नल, तो एक काम कर, इस पूरे के पूरे एरिया पे जहां तक भाई नजर जा रही है ना, पूरे एरिया पे नजर रखो, ओशन के अंदर अपनी बोट वगैरह भेजो, ठीक है। तो मिलिट्री कर्नल बोल रहा है, इसने पुलिस वालों से बातचीत कर लिया, पुलिस वाले कुछ ही देर में बोट वगैरह लेकर आ रहे होंगे, इस पूरे के पूरे एरिया पे हम लोग नजर रखेंगे। देख मिलिट्री कर्नल, तू काफी सही काम कर रहा है भाई, टेररिस्ट अगर लॉस सैंटोस में आ गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाकी यार मैं एक जरूरी बात से तेरे पास आया था, हमें ना मटेरियल चाहिए स्पेशल बुलेट्स बनाने के लिए, तो क्या तेरे पास मिल जाएगा? क्योंकि अभी हम लॉस सैंटोस से बाहर से मंगाते हैं तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है। ओके अबे यार मिलिट्री कर्नल बोल रहा है, सॉरी यार अभी तो बिल्कुल भी बुलेट्स बनाने का सामान नहीं है, कुछ टाइम पहले ही खत्म हुआ है, और अगर माइकल को चाहिए तो ये ऑर्डर कर देगा। यार मिलिट्री कर्नल ऑर्डर करने का टाइम ही तो नहीं है भाई, तुझे पता है ना पीटर कितना खतरनाक हो गया है, हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये आइडिया तूने काफ़ी अच्छा दिया है, ठीक है। तो एक काम कर मिलिट्री कर्नल, तू टेररिस्ट को संभाल, मैं जाकर स्पेशल बुलेट्स का इंतजाम करता हूँ, ठीक है ना। मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि माइकल एक काम करे, वेपन के डीलर से बात करे, उनके पास भी काफ़ी सारा मटेरियल होता है, उनसे मिल जाएगा। तो वेपन के डीलर को तो मैं देख ही लूँगा, बाकी चारों तरफ तुम लोग देख रहे हो, इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया से इंतजाम करा रखा है भाई, चारों तरफ बंदे खड़े हैं बाइनोकुलर वगैरह लेकर, दूर दूर तक नज़र रख रहे हैं भाई, पूरे के पूरे आइलैंड को घेर रखा है। चलो ये चीज़ तो काफ़ी बढ़िया है, बाकी मैं एक काम करता हूँ यहाँ से निकलता हूँ। मिलिट्री कर्नल एक काम कर, अपने किसी ऑफिसर को बोल दे कि मुझे ना भाई हेलीकॉप्टर में छोड़ कर आ जाए, क्योंकि बाइक से जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके तो ये ऑफिसर छोड़ के आ जाएगा ना, ठीक है ऑफिसर एक काम कर, हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर, अब यहाँ से निकलते हैं। गाइज बाइक से जाएंगे तो यार देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो हमारी कार है ना इस पहाड़ के पीछे खड़ी हुई है, इसीलिए अपने को हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए। और यहाँ देखो भाई मिलिट्री के ऑफिसर ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर लिया, मैं एक काम करता हूँ, मैं यार यहीं पर बैठ जाता हूँ, अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सही, ये मेरे को मेरी कार तक छोड़ देगा, उसके बाद मेरे को वेपन के डीलर का इंतजाम करना है। और ये काम गाइज एक ही बंदा कर सकता है, ड्राइवर, ड्राइवर को कॉल करना पड़ेगा, हमें जल्दी से जल्दी गाइज वेपन के डीलर से बात करनी है और मटेरियल चाहिए ताकि हम लोग स्पेशल बुलेट्स को रेडी कर पाए। बहुत से काफ़ी तेजी से लेकर जा रहा है, तो फटाफट से यार गाड़ी के पास लेकर चल। तो अभी ये ऑफिसर मेरे को गाड़ियों के पास लेकर आ चुका है, तुम लोग देख रहे हो मिलिट्री की मेरे को गाड़ियाँ नजर आ चुकी है, तो एक काम कर साइड में ही इस हेलीकॉप्टर को लैंड करा ले, हाँ रोड पे करा सकता है भाई, ये मेरे से परमिशन ले रहा है कि प्रेसिडेंट क्या मैं रोड पे से लैंड करा सकता हूँ, तो भाई करा ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये बंदा यार रुकने वाला नहीं है, मेरे को ड्रॉप करके चला जाएगा, ठीक है ऑफिसर एक काम कर तू मिलिट्री कर्नल के पास चला जाओ, बहुत सही। तो मैं एक काम कर दो गाइस, मैं अपनी कार को उठाता हूँ एंड जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, एंड जाते जाते मैं ड्राइवर को कॉल भी कर दूंगा एंड वेपन के डीलर से भी मिलना है। तो एक काम करते हैं गाइस, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, और अच्छा रहा भाई मिलिट्री कर्नल यहाँ पे आ गया, क्योंकि कुछ भी हो जाए लॉस सैंटोस में गाइस हम लोग टेररिस्ट अटैक तो नहीं होने देंगे, टेररिस्ट अटैक से बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। तो अभी मैंने रास्ते में चलते चलते गाइस ड्राइवर को कॉल किया था, मैंने उसे सारी चीज़ समझा दी कि हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए स्पेशल बुलेट्स के लिए। तो ड्राइवर बोल रहा है कि यार सैंडी शोर्स में एक नई वेपन की शॉप खुली है, शायद उस बंदे के पास अपना काम हो जाएगा, तो माइकल एक काम करे ना डायरेक्टली वहीं पर आ जाए। ड्राइवर भी गाइस वहीं पर जा रहा, और वो देखो गाइस दो गाड़ियाँ जा रही है, ये वाली कार तो अपनी कार शोरूम की है ना भाई, मैंने आप लोग को बताया था कि यार ये वाली गाड़ियाँ ना अपने कार शोरूम पर बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, चलो अच्छा ही है। बाकी एक काम करते हैं ना, फटाफट से सैंडी शोर्स निकलते हैं, कौन सी नई वेपन की शॉप खुली है मेरे को तो नहीं पता है, और एक मिनट, अबे हद है भाई, देख रहे हो ना तुम लोग गाइस, ये दोनों बंदे अभी इतनी तेजी से गाड़ियां लेकर जा रहे थे और गलती से इन लोगों ने एक्सीडेंट कर लिया और लड़ रहे हैं दोनों सड़क के बीचों बीच, हद है भाई, कोई दिक्कत नहीं लड़ने दो, कुछ ही देर में अपने आप पुलिस आ जाएगी। हद है यार लॉस सैंटोस के लोग बिना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। चलो छोड़ो यार मेरे को अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से, फटाफट से गाइस गाड़ी को भगाते हैं और जल्दी से निकलते हैं यार सैंडी शोर्स की तरफ। मैंने यार अपने कमांडो को कॉल करके ना अपनी कार भी मंगा लेता हूँ, स्काईलाइन को, क्योंकि अभी ना यार देखो इस कार को चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, अपने को एक तेज भागने वाली गाड़ी चाहिए। तो अभी मैं यार अपनी रोल्स रॉयस को भगाते भगाते सैंडी शोर्स पहुँच चुका हूँ, और अभी मैं सीधे जा रहा हूँ उस वेपन की शॉप की तरफ जिसकी लोकेशन मेरे को ड्राइवर ने दी है। मुझे नहीं पता था कि यार इस रास्ते में भाई कोई वेपन की शॉप भी खुली है, चलो चल के देख लेते हैं यार, बस अपने को उस बुलेट्स बनाने का यार मटीरियल मिल जाए, अपने को और कोई चीज़ नहीं चाहिए, नहीं तो गाइज हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, तुम लोग को पीटर के बारे में तो पता ही है। और एक मिनट गाइज ये रहा सामने ड्राइवर, तो एक काम करते पहले अपनी कार को साइड में लगाते हैं, और ये बंदा पहले यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। हाँ भाई आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अबे तू ये सब छोड़, अपने को चल के किससे बात करनी है मेरे को ये बता,
ठीक है अंदर है ऑनर, तो एक काम करते हैं आज अंदर चलते हैं। ट्रेवर बोल रहा है कि बंदा अंदर है और काफी काम का बंदा है, इसके पास काफी तगड़े तगड़े वेपन्स है, हाईटेक वेपन का इंतजाम भी कर सकता है। और एक मिनट ट्रेवर, एक सेकंड रुक जाओ, पहले इस कस्टमर को जाने दे। गाइस ये कोई वेपन वगैरह खरीद रहा है, तुम लोग देख रहे हो ना भाई, मिनी गन और पता नहीं क्या क्या इस बंदे ने निकाल के रख दिया है। तो एक काम करते हैं ना, थोड़े वेपन वगैरह यहाँ पर देख लेते हैं। ओके इसके पास गाइस क्रेटे वगैरह तो यहाँ पर रखी हुई है, मुझे नहीं पता कौन कौन से वेपन्स होंगे। यहाँ देखो यहाँ पे भी काफी सारे वेपन्स हैं, ऊपर वहां देख रहे हो भाई आर्मर वगैरह भी है। और वो बंदा भाई एक शॉट गन लेकर जा रहा है, मिनी गन देखकर शॉट गन ले जा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो ड्राइवर एक काम कर, तू पहले इस बंदे से बातचीत कर ले और उसको बता दे हम लोग क्यों यहाँ पर आए हैं। वैसे अभी तक गाइस इस बंदे ने पहचाना नहीं होगा कि माइकल अपना प्रेसिडेंट है, क्योंकि सैंडी शोर्स के लोगों को ना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके तो क्या बोल रहा है ड्राइवर, ये नहीं है इसके पास मटेरियल। भाई तूने बोला था इसके पास मिल जाएगा। एक मिनट ड्राइवर तू भी छेट मेरे को बात करने दे। देख भाई मैं ना तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ, हमें वो मटेरियल चाहिए और फ्री में नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर तूने नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पे रेड करवाएंगे पुलिस की और बोलेंगे कि तू इलीगल वेपन यहाँ पे सेल करता है, तेरे को नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तो तेरे पास एक ही रास्ता है, या तो हमारी मदद कर नहीं तो मैं तेरी ये दुकान को बंद करवा दूंगा, समझा ना। ओके भाई बोल रहे है कि यार दुकान बंद करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ को पहचान लिया है भाई, ठीक है। तो बोल रहे है कि मटेरियल मिल जाएगा, भाई पहले ही बोल देता, ठीक है जल्दी से जल्दी पता कर, भाई तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हद है भाई, देख रहे हो ना प्यार से बात कर रहे, माना ही नहीं, मेरे पैसों की बात बोली थी, पैसा भी मिल जाएगा फिर भी नहीं माना। ड्राइवर हद है भाई, कैसे कैसे लोग हैं। पर चल कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना काम हो जाएगा, ये बढ़िया चीज़। और एक मिनट गाइस, सामने से मेरे को मेरी कार नजर आ चुकी है, वो देखो भाई स्काईलाइन लेकर आ चुका है अपना कमांडो, बहुत सही, एकदम सही टाइम पे आया यार ये भी। हाँ ड्राइवर यार मैंने अपनी स्काईलाइन मंगवा ली थी, तो कमांडो एक काम कर, तो ये जो प्रेसिडेंट वाली कार है ना प्रेसिडेंट मेंशन पे ले जाओ, मैं स्काईलाइन को ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी मेरे को यार इंतजार करते करते करीब 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, अभी ड्राइवर क्या कर रहा है अंदर जाकर देखना पड़ेगा। और ये देखो भाई शॉप का ओनर आ चुका है, ठीक है भाई कहाँ से हमें मटेरियल मिलेगा, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके तो ये बोल रहा है कि यार इनके वेयर हाउस में खड़ा हुआ है, तो ठीक है यार लेकर चल वहाँ पे, मेरे को अभी के अभी जाना है। ड्राइवर एक काम कर इसके साथ चल, मैं भी गाइस तुरंत जाने वाला हूँ क्योंकि हमें वो मटेरियल हर हालत में चाहिए। और यहाँ देखो भाई मेरा पैर स्लिप हो गया था, हद है भाई। चलो ठीक है, ड्राइवर ने गाइस अपनी डिफेंडर निकाल लिया, उस बंदे ने भी अपनी गाड़ी निकाल ली है, अब देखते हैं वो जा कहाँ पे रहा है। भाई उसके पीछे पीछे आराम से चलना पड़ेगा, बहुत से वो देखो ड्राइवर का अलग ही लफड़ा होता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अबे यार आराम से चलाओ ना, सैंडी शोर्स के लोग भी ना थोड़े अलग ही है। वैसे मेरी स्काईलाइन इतनी ज़्यादा तेज है कि मैं दोनों से आगे जा सकता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलते हैं। ड्राइवर भी पीछे पीछे आ रहा है, अब देखते हैं गाइस ये लेकर कहाँ जा रहा है। और इस बंदे को ना मैं पैसे देने वाला हूँ ताकि जब भी हमारा स्पेशल बुलेट्स का मटेरियल चाहिए होगा हम लोग इसी से मंगवा लेंगे। तो अभी हम लोग यार वेपन डीलर का पीछा करते करते लॉस सैंटोस सिटी आ चुके, और मुझे तो लगा था ये सैंडी शोर्स में लेकर जाएगा अपने वेयर हाउस पे, पर बता रहा है कि यार इसके वेयर हाउस पे ना सारे के सारा बुलेट बनाने का सामान खत्म हो चुका है। पर माइकल बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ये मेरे को एक ऐसे बंदे के पास ले जा रहा है जिसके पास हमें सारा सामान मिल जाएगा, मतलब लॉस सैंटोस का कोई वेपन का डीलर। बाकी आ जा ड्राइवर, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ड्राइवर भी गाड़ी भगाते हुए आ रहा है और हम लोग ना शॉर्टकट मार के गाइस लॉस सैंटोस पहुंचे हैं। और वैसे यार ये वेपन का डीलर है तो बंदा काम का, इसको पता लग गया कि यार प्रेसिडेंट को ना अर्जेंट चाहिए बुलेट्स, तो सीधे हमने को कहीं लेकर तो आया है। ओके कहाँ जाना है यार अपने को, ठीक है इसने गाड़ी साइड में लगा ली है, मैं काम करता हूँ, मैं भी अपनी कार को साइड में लगा लेता हूँ। पर गाइज ये कोई वेयर हाउस या कोई फैक्ट्री तो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, अबे ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा है ड्राइवर। ओके भाई बोल रहा है ड्राइवर, बोल रहा है कि पता नहीं यार झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, भाई लेकर कहाँ आ चुका है और बोल रहा है कि मेरे साथ अंदर चलो। भाई ये कौन सी जगह है यार, गाइस तुम लोग सामने देख रहे हो वेपन वगैरह बनाने के सामान तो, और यहाँ का ऑनर ऊपर के साइड है, ठीक है। तो एक काम कर तू जाकर उससे बातचीत कर ले, और ड्राइवर तू इसके साथ ही रहना, ये कोई चालाकी ना दिखा है, ये बंदा अपने को एकदम सही जगह लेकर आया है। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर वेपन वगैरह बनाने का सामान तो रखा हुआ है, पर ये कोई वेयर हाउस नहीं लग रहा यार, पता नहीं कौन सी जगह है, लॉस सैंटोस में है भाई, और ये कौन सा ऑनर है भाई पता नहीं मेरे को। और उससे बातचीत कर रहा है, और ट्रेवर बात कर रहा है, इसका मतलब भाई मना तो नहीं कर सकता,
मुझे लग रहा है कि भाई बुलेट्स वगैरह बनाने का इसके पास सामान आराम से मिल जाएगा। तो अभी गाइस करीब आधे घंटे से हम लोग यहीं पे हैं और अपने को यार बुलेट्स बनाने का मटेरियल मिल चुका है, ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया हुई है। बाकी ये बंदा ना मेरे से काफी डर रहा है, इसे लगा हम लोग रेड वगैरह करने आए हैं। फिर बाद में इस वेपन के डीलर ने समझाया तो इस बंदे ने हमें मटीरियल तो दे दिया है और इसके बदले ड्राइवर ने पैसे दिए। तो ठीक है भाई तेरा काम हो चुका है, एक काम कर तू जा अपनी शॉप वगैरह संभाल, और इस ट्रक के अंदर तुम लोगों ने लोड करवा दिया है ना, ठीक है। तो ड्राइवर देख मेरी बात सुन, पैसे वगैरह दे दिए ना तूने इस बंदे को, एक काम कर ट्रक लेकर फटाफट से तू ह्यूमन लैब की तरफ निकल, मैं भी तेरे पीछे पीछे वहीं पे आता हूँ। और बाकी यार इस बंदे से ना हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऑर्डर भी दे दिया, हमें और भी ज्यादा मटेरियल चाहिए क्योंकि जो स्पेशल बुलेट्स है ना गाइस वो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। तो मैं एक काम करता हूँ निकलता हूँ यहाँ से, ड्राइवर इस ट्रक को लेकर निकल जाएगा, ड्राइवर की जो डिफेंडर है ना हम लोग अपने कमांडो से मंगवा लेंगे एंड वो बंदा भी यहाँ से निकल चुका है। मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं अपनी स्काईलाइन को उठाता हूँ और सीधे ना ट्रेवर के साथ में ही चलता हूँ, साइंटिस्ट से बात भी करनी है। जल्दी से जल्दी गाइस हमें बुलेट्स चाहिए और एक बार स्पेशल बुलेट्स फिर से बन जाए फिर मैं सीधे पीटर को ढूंढ कर ना उसके ऊपर अटैक कर दूंगा, क्योंकि पीटर गाइस आजकल कुछ ज़्यादा हीरो बन रहा है, उसे छोड़ना नहीं है। तो ट्रेवर ठीक है भाई, ट्रक को भगाते भगाते ह्यूमन लैब की तरफ लेकर आओ, मैं भी सीधे वहीं पे निकलता हूँ। तो अभी मैं अपनी स्काईलाइन को भगाते भगाते गाइस ह्यूमन लैब पहुंचने वाला हूँ। रास्ते में मेरे पास इंडियन डॉन का कॉल आ गया था तो मैं उससे रास्ते में रुककर बातचीत कर रहा था एंड ड्राइवर ट्रक को भगाते हुए शायद कि मतलब पहुंच भी गया होगा, बहुत ज़्यादा तेजी से वो ट्रक चला रहा था। ये रहा देखो ड्राइवर भाई ट्रक को लेकर बहुत ज़्यादा तेजी से आ रहा है, तो फटाफट से एक काम करते हैं जल्दी से अंदर चलते हैं। और एक मिनट अभी ड्राइवर ये किसके हेलीकॉप्टर हैं भाई, यहाँ कौन आ रखा है? एक मिनट मुझे लगता है कोई ना कोई यहाँ पर आया होगा VIP वगैरह ह्यूमन लैब में, हो सकता है। और एक सेकेंड ड्राइवर सामने तू चेक कर रहा है भाई, ये तो पीटर का हेलीकॉप्टर है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसका मतलब गाइस सामने जो दो हेलीकॉप्टर थे वो भी पीटर के थे। ओके भाई RPG 100 से कुछ नहीं होगा भाई, बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर है। ट्रेवर एक काम कर तू जाकर साइंटिस्ट वगैरह को देख, मैं जाकर उन हेलीकॉप्टर का पीछा करता हूँ। पीटर के बंदे और पीटर यहाँ पर आ रखा था हेलीकॉप्टर वगैरह लेकर, गाइस मेरे को जल्दी से जल्दी जाकर देखना पड़ेगा। एक मिनट फटाफट से गाड़ी को घुमाते, और ये देखो सिक्योरिटी गार्ड्स की डेड बॉडी बड़ी हुई है भाई, ये क्या सीन हो रखा है ह्यूमन लैब में भाई? और पीटर यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक सेकेंड गाइस कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता लग गया हो कि हम लोग स्पेशल बुलेट्स बनवाने वाले हैं, इसका मतलब पीटर हम लोगों से एक कदम आगे चल रहा है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा गाइस तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे क्योंकि हम लोग जो भी करने जा रहे हैं। एक मिनट गाइज मेरे को एक सामने हेलीकॉप्टर क्रैश होता हुआ नजर आया है, मैं एक काम करता हूँ फटाफट से पानी में जंप मारता हूँ और जाकर मेरे को चेक करना पड़ेगा। ओके जल्दी 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 जल्दी, पीटर का हेलीकॉप्टर तो निकल गया है बट एक हेलीकॉप्टर पानी में क्रैश हुआ है, शायद उसमें ड्राइवर की RPG वगैरह लग गई होगी, मेरे को जल्दी से जाकर चेक करना पड़ेगा। पीटर का हेलीकॉप्टर तो मेरे को नजर नहीं आ रहा, एक सेकेंड जल्दी जल्दी जल्दी, कहीं कहीं पर गाइज हेलीकॉप्टर था ना। ओके पानी के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, हेलीकॉप्टर गाइस क्रैश तो यहीं पे हुआ, वो देखो सामने वहां पे क्रैश हो रखा है। एक मिनट एक या दोनों है, लग तो गाइस एक ही रहे बट यहाँ आते आते यार पानी में गाइस बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है एंड इस साइड में शार्क वगैरह भी हो सकते हैं। और एक सेकेंड भाई इसके अंदर कोई बैठा है क्या गाइस? इसके हाँ बैठा तो है भाई, यार ये पीटर का ही बंदा है गाइस। एक मिनट मेरे को ऊपर निकलना पड़ेगा भाई, वो बंदा मर चुका है डूबकर यहाँ पर, ट्रेवर की RPG लगी होगी, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो बंदा मर चुका है। बाकी पीटर और जो दूसरा हेलीकॉप्टर था वो यहाँ से जा चुका है। मैं एक काम करता हूँ मैं अपने कमांडोज को बुलाता हूँ हेलीकॉप्टर के साथ एंड इस पूरे एरिया को सर्च करना पड़ेगा, पीटर के बारे में पता लगाना पड़ेगा, बस साइंटिस्ट सेफ हो यार, कुछ दिक्कत ना हो गई हो। और जल्दी से जल्दी गाइस मेरे को ह्यूमन लैब ही चलना है, चल के देखते हैं वहाँ कोई दिक्कत ना हो गई हो। फटाफट से मैं काम करता हूँ अपने कमांडोज को हेलीकॉप्टर के साथ यहाँ पे बुलाता हूँ। तो अभी मैंने कमांडो को कॉल कर दिया था और करीब 10 मिनट हो चुके हैं कमांडो का यहाँ पे इंतजार करते करते, पता नहीं यार ये लोग कितनी देर में आएंगे। और मैंने लेस्टर को भी फोन किया था, लेस्टर बोल रहा है कि यार जाकर माइकल साइंटिस्ट से मिले। तो मैंने ट्रेवर को यार देखो ह्यूमन लैब के अंदर भेज दिया है, वो जाकर साइंटिस्ट को संभालेगा। बाकी एक मिनट यार हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी और तुम लोग ऊपर के साइड देखो गाइस अपने कमांडोज यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आ चुके हैं और मैंने इन्हें ना हाईटेक बंकर से मिलाया था ताकि लोग जल्दी से जल्दी आ जाए। और फटाफट से आ जाओ यार, इनको समझाना भी तो है कि इन्हें आखिरकार काम क्या करना है। पहले मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँ
ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ही भाई हेलीकॉप्टर को लैंड करा दे। और तुम लोग देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पर ये खतरनाक वाला हेलीकॉप्टर लेकर आया है। मैंने इसे बोला था ज्यादा से ज्यादा बंदों को लेकर आना। ओके तो कमांडो देख, हाँ मैंने देख लिया भाई हेलीकॉप्टर तो बंदे वगैरह लेकर आ चुका है। तो कमांडो देख, इस पूरे के पूरे एरिया को जाके सर्च करो, बोट वगैरह मंगवा लो, हेलीकॉप्टर से सर्च करो। मेरे को पीटर के बारे में पता करना है कि आखिरकार वो यहाँ से गया कहाँ पे, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए पीटर को बिना ढूंढे वापस मत आना, बहुत सही, निकलो फटाफट से। सो गाइस कमांडोस को मैंने काम पे लगा दिया है, अभी मेरे को ह्यूमन लैब में जाके यार साइंटिस्ट से पता करना पड़ेगा। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी तो है ना, अपने को पता लग जाएगा कि आखिरकार वो करने क्या आया था। वैसे जब मैंने साइंटिस्ट से बात की थी सब कुछ नॉर्मल ही था, पर पता नहीं कैसे पीटर यहाँ पर आ गया। गाइस कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे फ़ोन को भाई हैक करके पता कर रहा है, या फिर हमारे बीच में कोई उसका इन्फॉर्मर है? ऐसा भी हो सकता है यार, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आने वाले थे स्पेशल बुलेट्स बनाने, उससे पहले ही वो यहाँ पर पहुँच गया। पता नहीं गाइस, इसके बारे में पता तो करना ही पड़ेगा, पर पहले एक काम करते हैं, फटाफट से अंदर चलते हैं। और हाँ, मैंने पुलिस वगैरह को भी कॉल किया है, कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस भी आ रही होगी। और एक मिनट, ट्रेवर ये ट्रक यहीं छोड़ गया? अब यार ये ट्रक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आगे ले जाता। हद है यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही से आगे ले जाता हूँ। इसके अंदर स्पेशल बुलेट्स बनाने का सामान है, इसको यहाँ छोड़ गया यार, कोई चोरी करके ले जाए तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते गाइस, फटाफट से इसको अंदर लेकर चलते हैं, और पुलिस वगैरह एक बार आ जाए फिर पूरे के पूरे एरिया को मैं सर्च करवाने वाला हूँ। इस वाले ट्रक को मैं ह्यूमन लैब के गेट पर ही लगा दूंगा, बहुत से यहाँ पर लगा देते हैं, बाद में सिक्योरिटी वालों से मंगवा लेंगे। और एक मिनट गाइस, अबे यहाँ पे भी डेड बॉडी पड़ी है भाई, इस एरिया में भी डेड बॉडी है, क्या सीन है भाई, चल के देखना पड़ेगा। अभी एक मिनट, गोलियों की गाइस मेरे को आवाज़ आ रही है। एक काम करता हूँ, मैं अभी गन वगैरह निकाल लेता हूँ। भाई अंदर तो बहुत ज़्यादा डेड बॉडी पड़ी है, बस साइंटिस्ट ठीक हो गाइस तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। गोलियाँ कौन चला रहा है, अंदर ड्राइवर है भाई, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। फटाफट से मेरे को ड्राइवर के पास चलना पड़ेगा, एक सेकेंड, सब कुछ ठीक है ना? यहाँ पे भी यार सिक्योरिटी वाले की डेड बॉडी पड़ी है। हद है यार, इन्हें मारा किसने है? मेरे ख्याल से गाइस पीटर अपने बंदों को लेकर आया होगा और उसी ने ये काम किया है, क्योंकि वो लोग पीटर को अंदर जाने से रोक रहे होंगे। और तुम्हें पता है पीटर अब कितना ज़्यादा खतरनाक हो गया है, वो किसी के कहने पर कहाँ रुकने वाला है। उसी ने शायद सारे के सारे सिक्योरिटी वालों को मारा है, बस साइंटिस्ट ठीक हो। ओके तो गाइस मैं अंदर के साइड आ चुका हूँ, ट्रेवर कहाँ पे है? एक सेकंड, यहाँ पर भी कोई नहीं। अबे ट्रेवर गोली मत चला, मैं हूँ भाई। साइंटिस्ट कहाँ पे है, मिले तेरे को वो लोग? ओके, हर एक कमरा हर एक लैब चेक कर ली, साइंटिस्ट कहीं पे है ही नहीं। ट्रेवर बोल रहा है उन्हें फ़ोन भी किया है, उनका फ़ोन बन जा रहा है, और कुछ लोगों का फ़ोन तो यहीं पर ही है। सारे के सारे साइंटिस्ट गायब हो रखे हैं। अबे गायब हो रखे हैं, साइंटिस्ट से मेरी बात हुई थी, वो यहीं पर थे यार, उन लोगों ने बोला था कि मटीरियल लेकर आओ, अबे कहाँ चले गए? ओके ट्रेवर बोल रहा है ये उसे नहीं पता, और गोलियां ट्रेवर ही चला रहा था क्योंकि इसे लग रहा था अंदर शायद कोई बंदा है, तो इसीलिए डराने के लिए ये हवाई फायर कर रहा था। पर अंदर कोई भी नहीं है, इसने सारे के सारे कमरे चेक कर लिए, सारी लिफ्ट चेक कर ली, पूरा का पूरा ह्यूमन लैब चेक कर लिया। भाई ड्राइवर क्या करना है फिर? ओके ड्राइवर बोल रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा, बाकी ड्राइवर बोल रहा है कि यहाँ के जो कैमराज हैं उन्हें भी ब्लास्ट कर दिया है, और हार्ड डिस्क वगैरह भी चोरी हो गई है, मतलब कुछ भी हम लोग पता नहीं लगा सकते कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। और साइंटिस्ट गायब है, इसका मतलब गाइस पीटर को हमारे प्लान के बारे में पता लग गया था कि हम लोग यहाँ पर स्पेशल बुलेट्स बनवाने आ रहे हैं। यार अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, बुलेट्स कहाँ से लाएंगे? क्योंकि साइंटिस्ट थे जो हमारे लिए स्पेशल बुलेट्स रेडी करते थे, पर साइंटिस्ट अभी गायब हो चुके हैं और ये सब पीटर ने किया है। भाई यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ड्राइवर यहाँ से निकलते हैं, मेरे को इस बारे में लेस्टर से बात करनी पड़ेगी, अभी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो अभी हम लोग यार ह्यूमन लैब से बाहर आ चुके हैं, और मेरी अभी कैप्टन से बात हुई थी गाइस, कैप्टन अभी बाहर के साइड आ गया। और तुम लोग यहाँ चेक करो, यहाँ पे मेडिकल वाले बंदे आ चुके हैं जो कि डेड बॉडी को अभी चेक कर रहे हैं, शायद इनमें से कोई जिंदा हो, उसका हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह कराएंगे। एंड मैंने सारे के सारे कैमरे चेक कर लिए भाई, सारे कैमरे को इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है ना, हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे भी मेडिकल वाले बंदे हैं। ट्रेवर तो भाई भागकर बाहर के साइड ही चला गया। और चारों तरफ चेक करो गाइस, एम्बुलेंस वगैरह खड़ी है, मेडिकल के बंदे आ चुके हैं, और कैप्टन ट्रेवर से बातचीत कर रहा है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रेवर देख मेरी बात सुन, हेलो ट्रेवर एक काम कर, सबसे पहले जो ये ट्रक है ना इसके अंदर जो मटेरियल है इसको यहाँ से लेकर जाओ और फार्म हाउस पे जाकर लगा, ठीक है ना?
जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ टेंशन ना ले, तेरी जरूरत होगी मैं तेरे को कॉल करूंगा, तू अभी निकल मैं कैप्टन से बात करता हूँ। कैप्टन यार बहुत तगड़ा सीन हो गया है, मैं और ड्राइवर यहाँ पर पहुंचे तो पता लगा है कि यार यहाँ पे तो पीटर आ गया था यार। पीटर ने बहुत ही बुरी तरीके से सबको मारा है और साथ में साइंटिस्ट गायब है, तो कुछ भी कर यार, सीसीटीवी कैमरा का पता लगा और पता कर ये सब हुआ कैसे भाई, हमें कैसे भी करके जानना है ये सब। ठीक है हाँ भाई, कैसे भी करके पता कर, पीटर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, उसने अपने बेटे को भी मार दिया, तुझे पता ही चल गया होगा अभी भाई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है तो उसको गाइस ऐसे छोड़ नहीं सकते, उसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि यार दुबई किंग के पास जाओ, दुबई किंग से हेल्प मांगो, तो मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्टली गाइस हम लोग दुबई किंग के पास चलते हैं, चल के उससे बातचीत करते हैं, वो अभी हमारी मदद कर सकता है। तो कैप्टन को मैंने काम पे लगा दिया है, कैप्टन गाइस यहाँ का काम संभालेगा एंड अपनी स्काईलाइन शायद कैप्टन के बंदे यहाँ पर लेकर आ गए, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से गाइस स्काईलाइन को लेता हूँ और जल्दी से निकलते हैं दुबई किंग के मेंशन पे, उसे बातचीत करनी पड़ेगी यार, उसे हेल्प मांगनी होगी, उसे काम पे लगा दूंगा ना फिर पीटर बचने वाला नहीं है। मैं उसको बोल दूंगा कुछ भी कर, पहले पीटर को खत्म करना है। एंड यहाँ देखो गई सोट के बंदों ने यहाँ पे डू नॉट क्रॉस का भाई यहाँ पे बोर्ड लगा दिया, अभी कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा, चलो अच्छा ही है, अंदर काफी ज्यादा तबाही हुई है, तो फटाफट से अपनी स्काईलाइन को भगाते हैं, जल्दी से जल्दी दुबई किंग के पास पहुंचना होगा। और यहाँ देखो गई और भी पुलिस यहाँ पर आ रही है, कुछ भी करके हमें पता तो लगाना है पीटर ने यहाँ पर किया क्या है और साइंटिस्ट कहाँ पे गए। तो अभी मैं अपनी स्काईलाइन को भगाते यार दुबई किंग के मेंशन पे पहुंचने वाला हूँ और जल्दी से चल के यार उससे बातचीत करते हैं, उससे मैं बोल दूंगा कि अब बहुत हो गया पीटर का यार, कुछ भी करके पीटर को लेकर आ, एक बार बस वो लेकर आ जाए उसके बाद पीटर का दी एंड, तो मैं खुद अपने हाथों से करने वाला हूँ। तो फटाफट से काम करते हैं, उसके मेंशन पे चलते हैं और एक सेकेंड गाइस, अबे ये सब क्या हो रखा है, अबे गाइस ये क्या हुआ है, दुबई किंग की सिक्योरिटी को किसी ने मारा है भाई, ये कैसे हो सकता है भाई, दुबई किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास तगड़ी आर्मी है, और गाइस मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ फटाफट से अपने कमांडोज को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मुझे 20 कमांडोज की जरूरत है क्योंकि यहाँ के हाल मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अभी मैंने अपने कमांडोज को कॉल किया और बोला है भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पर आओ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था गाइस दुबई किंग के मेंशन पे ऐसा हाल मिलेगा। आखिरकार दुबई किंग पे गाइस कौन अटैक कर सकता है, किसकी इतनी हिम्मत, क्योंकि लॉस सैंटोस में तो भाई किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि दुबई किंग के बंदों को मारेगा। और गाइस यहाँ तुम लोग देखो चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी है, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है भाई, किसने किया होगा ये सब, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तबाही मची है यार। तुम लोग चारों तरफ चेक कर रहे हो गाइस, यहाँ पे चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी है दुबई किंग की सिक्योरिटी की। गाइस दुबई किंग तो ठीक है ना, मेरे को जल्दी से अंदर चलना पड़ेगा यार, उसे कुछ ना हो गया हो। एक सेकंड फटाफट से अंदर चलते हैं, अंदर के साइड भी तुम लोग देखो गाइस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डेड बॉडी पड़ी हुई है, फटाफट से आगे की साइड चलो भाई, चारों तरफ लाशें ही लाशें। एक सेकेंड दुबई किंग का है, मेरे को देखना पड़ेगा गाइस यहाँ पे तो कहीं वो नज़र नहीं आ रहा, आखिरकार कहाँ पे गया। और एक मिनट गाइस कोई तो पुल के पास से आ रहा है, अब ये तो दुबई किंग है ना भाई, इससे क्या हो गया। हेलो दुबई किंग भाई, तू ठीक है ना, और ये सब किया किसने है, एक मिनट पीछे कोई है क्या। गाइस तुम लोग वहां देखो, पीटर खड़ा हुआ है वहां पे, इसकी तो O3 दुबई की कवर में आ भाई, यार पीटर यहाँ क्या कर रहा है गाइस, और वो अकेला नहीं है। दुबई किंग तू उठ सकता है क्या, एक काम कर थोड़ा पीछे के साइड आओ। एक मिनट गाइस तुम लोग देख रहे हो, मेरे को गन बदलनी पड़ेगी गाइस, मैं एक काम करता हूँ यार, ऊपर उसकी सिक्योरिटी खड़ी है, मतलब ये काम पीटर और भाई पीटर की सिक्योरिटी ने किया है। वाह देखो तेरी तो ऐसी की तैसी यार, इसने पता नहीं कौन सा बॉडी सूट पहन रखा है। बहुत सारे के कमेंट्स आ रहे थे कि स्टन गन यूज़ करो, देखो मैं आप लोग को स्टन गन यूज़ करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ देखो भाई कुछ हुआ ही नहीं स्टन गन से। एक मिनट मैंने लॉन्चर ले लिया है, लॉन्चर से ट्राई करता हूँ, वहां तुम लोग चेक करो भाई, उसने मिनी गन ले ली हाथ में, उसके पास मिनी गन भी है यार, मुझे नहीं लग रहा है हम लोग इससे लड़ पाएंगे। दुबई किंग को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा गाइस, एक काम करता हूँ दुबई किंग भाई तू चल सकता है क्या, निकलना पड़ेगा दुबई यार, ये चल नहीं सकता गाइस, इसे उठाना पड़ेगा फटाफट से, इसको उठाते हैं। तो अभी मैंने दुबई किंग को उठा लिया गाइस, यहाँ से भागना पड़ेगा यार, इसकी जान खतरे में और साथ में मेरे को भी गोलियां लग चुकी है। एक मिनट गाइस यहाँ से जंप करने का ट्राई करते हैं, ओके बहुत सही, ओके गाइस पैराशूट अपने पास था,
पैराशूट के साथ मैंने यहाँ पे जंप कर लिया है। बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है गाइस दुबई किंग की, यहाँ से भागना पड़ेगा। आखिरकार पीटर यहाँ क्या कर रहा था मेरे को ये नहीं पता। एक सेकंड, ये कौन है? हेलो भाई, ये बंदा कौन है गाइस मुझे नहीं पता, पर यहाँ से निकलना पड़ेगा। फटाफट से काम करते, भाग से हैं, चलती 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 यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाइस पीटर मेंशन पे पहले से पहुंच गया, पक्का गाइस हमारे बीच कोई इन्फॉर्मर है, क्योंकि जैसा मैं करने की सोच रहा हूँ उससे पहले ही कैसे हो जा रहा है यार। क्या तो ऐसा हो सकता है कि पीटर और डगन बॉस को हमारे बारे में सब कुछ पता है, और डगन बॉस तो हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हमारे प्लान पहले ही पता लग गए हैं। गाइस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कहीं छुपना पड़ेगा। ओके ये जगह एकदम ठीक लग रही है, यहाँ पे छुपते हैं जब तक अपनी सिक्योरिटी ना आ जाए। तो अभी यार इंतजार करते करते करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अपने कमांडोस तो नहीं आए पर पीटर की सिक्योरिटी वाले चारों तरफ आ चुके हैं। एंड गाइस मुझे लग रहा है कि हम लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा, पर दुबई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो बेहोश हो चुका है, उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना है। एंड तुम लोग यहाँ पर चेक करो, चारों तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी वाले हम ही को ढूंढ रहे हैं। पीटर भी शायद आया था, पीटर हेलीकॉप्टर से निकल गया। गाइस जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, और कमांडोस पता नहीं कहाँ रह गए यार। हद यार, वो लोग आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग दुबई किंग के मेंशन पे पहुंच गए हो, और अभी मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उसे कॉल करूं। बाकी गाइस मैं आप लोग को दुबई किंग दिखाता हूँ, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने उसे यहाँ पे छुपा रखा है, तुम लोग देख रहे हो ना इस साइड में। मेरे पास अभी एक ही रास्ता है, अगर मैं यहाँ पे रहा तो इन्हें पता लग जाएगा, मुझे इन्हें चकमा देने के लिए गाइस यहाँ से भागना पड़ेगा। और एक मिनट गाइस, एक और गाड़ी शायद यहाँ पर आई है, एक मिनट पहले आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर टोटल बंदे कितने हैं। ये बहुत सही, थोड़ा थोड़ा मेरे को आगे चलना पड़ेगा, अगर मैं यहीं पे रहा तो ये लोग हम दोनों को ढूंढ लेंगे, पर अगर मैं यहाँ से भागता हूँ तो शायद ये लोग मेरे पीछे आएंगे और दुबई किंग यहाँ पे बच जाएगा। बाद में मैं सिक्योरिटी वालों को भेज दूंगा। और तुम लोग ऊपर देख रहे हो भाई, सिक्योरिटी वाले पहाड़ के ऊपर नीचे हर तरफ ढूंढ रहे हैं, मतलब चारों तरफ यहाँ पे बंदे हैं। तो मैंने सामने की साइड एक बाइक देखी थी, एक काम करते हैं बाइक को उठाते हैं, सीधे यहाँ से भागते हैं, क्योंकि मैं गोलियाँ नहीं चला सकता यार, गोली चलाने का कोई फायदा भी नहीं होगा। या फिर एक काम करते हैं भाई, गोली चलानी पड़ेगी। एक सेकेंड, एक काम करता हूँ गाइस, इसके अंदर मैं स्टिकी बॉम्ब लगाता हूँ, जो सामने गाड़ी खड़ी हुई है इसको उड़ाता हूँ यहाँ से। वहाँ से इन लोग का ध्यान जाएगा, यहाँ देखो अभी फटाफट से इस बाइक को उड़ाता हूँ। अभी जल्दी जल्दी जल्दी, ये लोग गोलियाँ मेरे ऊपर चला रहे हैं, कोई फायदा नहीं है गाइस, देखो इन लोगों से लड़के। बहुत सही, अभी यहाँ से निकलते हैं। वो देखो इतनी ज़्यादा तेज़ी से मेरे पीछे आ रहे हैं ना, मेरे को लग ही रहा था। वो देखो गाइस स्टंटबाजी करते हुए मेरे पीछे आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे के सारे बंदे मेरे पीछे आएंगे और दुबई किंग बच जाएगा। दुबई किंग की हालत गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरे को रुक कर देखना पड़ेगा। वहाँ चेक करो गाइस, तीन चार गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेरे पीछे आ रही है, मैं रुक नहीं सकता, मुझे इन्हें चकमा देना ही पड़ेगा। बाकी गाइस पीटर को कैसे पता लगा कि मैं दुबई किंग के पास जा रहा हूँ? भाई मेरे को यकीन हो गया, या तो वो मेरे फ़ोन को हैक कर रहा है, या फिर कोई तो हमारे बीच इन्फॉर्मर है उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और एक मिनट गाइस, गाड़ियाँ शायद अभी आ नहीं रही हैं क्या? तो मेरे को देखना पड़ेगा, उन्हें पता तो नहीं चल गया हमारे प्लान के बारे में। अबे ये आगे से कहाँ से आ गया भाई, ये आगे से कैसे आया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हद है भाई, बहुत ज़्यादा तेजी से गोलियाँ चलाता हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जा बेटा, उसको तो मैं अभी ठिकाने लगाऊंगा। गाइस यहाँ देख रहे हो, मैं फुल स्टंटबाजी करते हुए वहाँ से भाग चुका हूँ, जंप मार के खतरनाक वाला। वो बंदा पीछे ही रह गया, मुझे पता है, और अच्छा रहा टाइम में मेरे को वहाँ पे बाइक मिल गई के। बहुत से गाइस, अभी मैं एक काम करता हूँ, इस बाइक को छोड़ना पड़ेगा। बहुत से बाइक को मैंने छोड़ दिया है, जल्दी से साइड में जंप मार देता हूँ। ओके वो बंदा बाइक को ढूंढने जाएगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, देखो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाई जल्दी 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 जल्दी, उस बंदे को लगेगा कि बाइक पानी में गिर गई है, जानबूझकर मैंने गिराई है, उसे लगेगा कि गलती से गिरी होगी। बहुत, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो देखो गाइस नीचे की साइड आ चुका है, वो शायद वहीं जा रहा है, पानी के अंदर ढूंढ रहा है मेरे को। ये मौका बहुत ही सही है, मैं काम करता हूँ गाइस, यहाँ से निकलता हूँ, उसे ढूंढने दो, इससे पहले वो मेरे को देखे। मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, यार यहाँ से तो मैं चढ़ ही नहीं पाऊँगा। एक मिनट, पानी के अंदर गोलियाँ चला रहा है, उसे लग रहा है मैं पानी के अंदर ही हूँ, तो यहाँ से भागना पड़ेगा। फटाफट से निकलते हैं भाई, पानी के अंदर उसे ब्लास्ट करने दो, बाकी के बंदे भी यहीं पे आ रहे होंगे, और ये सही मौका है यहाँ से निकलने का, देखो जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। बहुत सही, फटाफट से गाइस यहाँ से निकलते हैं और जल्दी से चलते हैं दुबई किंग के पास। यार बस दुबई किंग ठीक हो, उसकी हालत गाइस मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही,
पीटर ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। और ऊपर के साइड चेक कर रहे हो गाइस, बाकी की गाड़ियां भी यहाँ पर आ चुकी है। थोड़ा इंतजार करते हैं इनके नीचे जाने का, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। वो देख रहे हो भाई, मेरे को ही ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, मेरे को गाइस यही इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी गाइस करीब 10 से 15 मिनट हो गए यहाँ पे इंतजार करते करते, और तुम लोग नीचे के साइड देख रहे हो, पीटर के बंदे अभी नीचे जा चुके हैं। मैं आप लोगों के फोन का कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, और वो लोग पानी में मेरे को अभी भी ढूंढ रहे हैं। काफी सारे लोगों ने तो पानी के अंदर भाई यहाँ पर जंप लगा दी और पानी के अंदर जाकर ढूंढ रहे हैं। यही मौका है गाइस यहाँ से भागने का। पीछे से कार आ रही है ना, एक काम करता हूँ फटाफट से इस कार को लेता हूँ। अरे मैडम जल्दी इसे गाड़ी दो, फटाफट से निकलते हैं दुबई किंग के पास। और गाइज मेरे पास अभी बीस कमांडो का कॉल आया था, बोल रहे हैं सर आप हो कहाँ पे। मैंने बोला जल्दी से भाई उस गांव की तरफ जाओ, वहाँ पे अपना दुबई किंग है। तो अपने कमांडोज गाइज वहाँ पे पहुँच चुके हैं, मेरे को भी जल्दी से जल्दी पहुँचना है। अब देखते हैं आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे कमांडोज आ गए हैं तो देखो इतना डरने की जरूरत नहीं है, कमांडोज उन्हें संभाल लेंगे। यार हमें ना कहीं से बुलेट्स का इंतजाम करना ही पड़ेगा। लेसर को लगता है कि स्पेशल बुलेट्स आने के बाद शायद हम उन्हें मार पाएँ, पर मुझे ऐसा नहीं लग पा रहा क्योंकि पीटर को हमारे सारे प्लान सब कुछ पता है। तो पीटर को सारी बात पता होगी। एक काम करता हूँ फटाफट से मैं कार को भगाता हूँ। गाइज मैं ना थोड़ा सा रोड से साइड से जा रहा हूँ ताकि उन्हें पता ना लग जाए। तो अभी मैं इस गाड़ी को लेकर गाइज उस गांव की तरफ आ चुका हूँ। मेरे को जल्दी से जाना है दुबई किंग के पास, जहाँ पे मैंने दुबई किंग को छुपाया था। तो बस वहीं होना चाहिए क्योंकि गोलियों की तो गाइज मुझे लगातार आवाज़ें आ रही हैं बहुत सी। और तुम लोग कमांडोज की गाड़ियाँ चेक करो गाइज, अपने कमांडोज आ चुके हैं। बहुत सही, कमांडोज इनसे निपट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत सही। और यहाँ देखो गाइज हाईटेक वाले वेपन यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, इन्हें लड़ने दो, मैं जा रहा हूँ दुबई किंग के पास। एक मिनट, ये रहा दुबई किंग, फटाफट से इसको उठाते हैं। तो ठीक तो है ना भाई, इसकी सांसें तो चल रही है, पर गाइज ये अभी भी बेहोश है। तो अभी मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा गाइज। कमांडोज यहाँ पर काफी तबाही मचा रहे हैं, बहुत सही कमांडोज, जितना हो सके इन्हें टक्कर दो, यहीं पर रोको, कुछ भी हो जाए यहाँ से जाने नहीं चाहिए। बाकी मैं एक काम करता हूँ गाइस, कमांडो की कार को लेता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। तुम लोग देख रहे हो ना भाई, बराबर की टक्कर चल रही है, पर यार मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। पीटर गाइस क्या से क्या कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इसका पता तो मैं लगा के रहूँगा, पर अभी दुबई किंग को हॉस्पिटल पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे देखो पास में हॉस्पिटल है सैंडी शोर्स का, पर सैंडी शोर्स नहीं ले जा सकते, इसे सिटी में ले जाना होगा क्योंकि सैंडी शोर्स में डॉक्टर्स की कमी आ जाती है। जितना तेज हो सकता है गाइस मैं गाड़ी को भगाने वाला हूँ और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो अभी मैं इस गाड़ी को भगाते भगाते गाइस हॉस्पिटल की तरफ पहुंचने वाला हूँ। जल्दी से चल के यार दुबई किंग का ट्रीटमेंट कराते हैं। मैंने डॉक्टर्स को भी कॉल कर दिया और साथ में अपने कमांडोज को कॉल कर दिया, वो लोग भी गाइस यहीं पे पहुंच गए होंगे। फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं, मैं भाई कहीं ब्रेक नहीं लगा सकता, मेरे को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना है। तुम लोग देख सकते हो गाइस सामने मेरे हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, भाई हटो 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 हटो, जल्दी से जल्दी इसको पहुंचाना पड़ेगा। और हाँ मैं लेस्टर को भी कॉल कर रहा था, लेस्टर का फ़ोन नहीं लगा, मुझे उससे भी बात करनी है। ये बहुत सही गाइस, हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं और तुम लोग सामने चेक कर रहे हो, अपने कमांडोज पहले ही आ गए हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुई है। कमांडोज हॉस्पिटल पे नज़र रखना, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। मैं एक काम कर दो फटाफट से अंदर लेकर जाता हूँ। ओके डॉक्टर, मैं अपने दोस्त को लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं माइकल अंदर लेकर जाए, ये लोग अंदर ही आ रहे हैं। बाकी यहाँ देख रहे हो गाइस कोई और बंदा आ चुका है जिसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, डॉक्टर इसको देख रहा है। मैं एक काम करता हूँ फटाफट से मैं इसे अंदर लेकर चलता हूँ। तो अभी मेरे को हॉस्पिटल आए करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है गाइस, दुबई किंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि पहले उसे यहीं रखेंगे, बाद में ऊपर उसे भाई दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं फटाफट से अंदर जाकर देखता हूँ। गाइज यहाँ पर तुम लोग चेक करो, सामने अपना दुबई किंग लेटा है, इसका ट्रीटमेंट वगैरह यहीं पे स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर अभी चेक कर रहा है कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, इसको यहाँ पे देख सकते हो। बाकी एक और बंदा आया था जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे डॉक्टर कर रहे हैं। इस बंदे की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पर डॉक्टर बोल रहा था कि दुबई किंग को हम लोग सही टाइम पर लेकर आ गए, अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो शायद इसकी जान जा सकती थी। देख डॉक्टर कुछ भी हो जाए अच्छे से अच्छा इसका ट्रीटमेंट कर, दुबई किंग मरना नहीं चाहिए भाई, इस बंदे ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो गाइस यहाँ देख सकते हो पीटर ने इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब की है। बाकी दुबई किंग को यार देखो ऐसे मारना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ज़रूर पीटर ने कोई ना कोई चालाकी दिखाई होगी। एंड साथ में तुम लोग को पता है उसने कोई बॉडी सूट पहन रखा है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, एंड उसके जो नए वाली सिक्योरिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। दुबई किंग को यार पता नहीं था इसीलिए ऐसा। और एक मिनट गाइस, मेरे पास ये अमांडा का कॉल क्यों आ रहा है, एक काम करता हूँ
फटाफट से बातचीत करता हूँ। तो अभी मेरी अमांडा से यार फोन पे बात हुई, गाइस अमांडा ने मेरे को एक शॉकिंग चीज बताई है। अमांडा बोल रहे हैं कि हमारे पूरे अपार्टमेंट को किसी ने घेर लिया है, चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं। तो माइकल फटाफट से आ जाए। मैंने उनको बोल दिया कि तुम लोग एक काम करो, लिफ्ट वगैरह लॉक कर दो, कोई भी नीचे नहीं आना चाहिए और ना कोई ऊपर आए, मैं बस कुछ ही देर में पहुंच रहा हूँ। तो कमांडोस मेरे को अभी घर पे जाना पड़ेगा, तुम लोग दुबई किंग को संभालो, कोई भी आना नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना, पूरे के पूरे हॉस्पिटल की तुम्हें सिक्योरिटी देनी है। कुछ भी हो जाए जब तक मैं ना हूँ हॉस्पिटल के अंदर, कोई आ ना जाए। बाकी फटाफट से निकलते हैं। और एक मिनट, ये कौन है भाई? अबे भाई ये एक्सीडेंट का कोई और केस आ गया है, तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस। अबे हद है भाई, ये लोग अपनी गाड़ी ठोक ठाक कर यहाँ पे लेकर आए हैं और कैसे जा रहे हैं भाई ट्रीटमेंट वगैरह कराने। हद है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें जाने दो, मैं काम करता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है पक्का ये काम पीटर का ही होगा। गाइस मेरे को जल्दी से जल्दी अपार्टमेंट की तरफ पहुंचना होगा। वैसे वहां पे 20 कमांडो बहुत ज्यादा है, पर फिर भी पीटर कुछ भी कर सकता है और भाई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक एक करके हम पे अटैक करे जा रहा है क्योंकि उसे बदला लेना था। एंड यहीं से देखो गाइस अपना अपार्टमेंट नजर आ रहा है क्योंकि एक्लिप्स टावर बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मेरे को जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा एंड चल के देखता हूं कि आखिरकार वहां पे कितने बंदे हैं। कुछ भी हो जाए गाइस मुझे अटैक तो उनके ऊपर करना ही होगा, मुझे अपनी फैमिली को कैसे भी करके बचाना है। तो अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते गाइस अपने अपार्टमेंट की तरफ पहुंचने वाला हूं और मैं दूसरी तरफ से आया हूं ताकि जल्दी से जल्दी मैं अपने मेंशन पे पहुंचूं। मैंने बाकी के कमांडोज को भी कॉल कर दिया है, कुछ ही देर में वो लोग भी यार अपने अपार्टमेंट में पहुंच लेंगे। फटाफट से चल के देखता हूं गाइस यहां पे चल क्या रहा है और मैं इस वाली गाड़ी को थोड़ा पहले ही लगा दूंगा ताकि कोई मेरे को देख ना ले। गाइस मेरे को चॉपर भी नजर आ रहा है यार, एक सेकंड, पहले मैं गन निकाल लेता हूं। और एक मिनट गाइज मेरे को बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नजर आ रही है, तुम लोग देख रहे हो ब्लैक कलर की बहुत सारी कार है। मैं काम करता हूँ फटाफट से, पहले थोड़ा क्लोज में चलता हूँ। एक मिनट गाइज, बंदे तो नजर आ रहे हैं पर एक मिनट, ये पीटर के बंदे नहीं है यार, अभी ये तो दुबई किंग के बंदे हैं भाई। एक मिनट, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? इनसे डरने की जरूरत नहीं है, घर अंदर रखता हूँ। एक सेकेंड, हेलो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो एक सेकेंड, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? ओके दुबई किंग को ढूंढ रहे हो? हाँ यार दुबई किंग के मेंशन पे अटैक हुआ था, तुम लोग एक काम करो, जो सिटी का हॉस्पिटल है ना सबसे बड़ा हॉस्पिटल ओशन हॉस्पिटल, वहाँ पे जाओ, वो वहीं पे है। अबे निकलो यहाँ से, तुम लोग यार ट्रैफिक वगैरह लगा रहे हो, हद है यार, जल्दी से जल्दी यहाँ से जाओ। और वो देखो गाइस एक बंदा चॉपर लेकर खड़ा हुआ है, मेरे को उससे भी बोलना पड़ेगा। यार अमांडा वैसे ही डर गई यार, मेरे को बता दी थी, मुझे लगा था पीटर है भाई, मैं इतनी जल्दी में यहाँ पर आया हूँ। और जल्दी जल्दी गाड़ियाँ हटाओ यार, यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह लगाओगे क्या? फटाफट से निकलो भाई, वो देखो वहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है, भाई जल्दी से निकलो यहाँ से गाइज। एक एक करके देखो गाड़ियाँ लेके लेकर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखो वो चॉपर लेकर भी जा रहा है। अबे जल्दी से जल्दी तुम लोग हॉस्पिटल पे पहुँचो। और देखो सारे लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आधे लोग मेंशन पे जाओ, बाकी दुबई किंग के आइलैंड पे चले जाओ। भाई जल्दी जल्दी से यहाँ से हटो भाई, सारे लोगों को डरा दिया, मैं भी इतनी जल्दी में यहाँ पर आया हूँ। और वो देखो गाइज एक बंदा गाड़ी आगे लेकर खड़ा हुआ है, इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। हद है यार, अमांडा को लगा पीटर के बंदे आ गए हैं, मुझे भी ऐसा लगा, मेरे को जाके उन्हें समझाना पड़ेगा, वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और अच्छा रहा कोई भी नीचे नहीं आया। तो अभी मैं लिफ्ट लेकर यार अपार्टमेंट में ऊपर के सेट आ चुका हूँ और इन लोगों ने लिफ्ट को लॉक कर दिया था यार, पहले मेरे को लॉक ओपन करवाना पड़ा फिर मैं ऊपर आया हूँ। देखो अपार्टमेंट का ना यही फायदा है, पूरा का पूरा बिल्डिंग को अच्छे से लॉक कर लो, ना कोई ऊपर आ सकता है ना कोई नीचे जा सकता है। और अगर हेलीकॉप्टर से कोई आया तो अपने एयर डिफेंसों से ख़त्म कर देंगे, बाकी 20 कमांडोज यहाँ पर हाईटेक वेपन के साथ है ही। और वो देख लो ना, एयर डिफेंस भाई हमेशा तैयार रहते हैं। और वो रही माइकल की फैमिली, यार ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, मैंने इन्हें बोला था यार कमांडोज जब तक है ना तुम लोग एकदम सेफ हो, क्योंकि ना वो इन्हें कुछ कर पाएंगे और ना ये उन्हें कुछ करेंगे, पर टक्कर की लड़ाई चलेगी पर ये लोग सेफ रहेंगे। अमांडा टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार, वो सारे अपने ही बंदे थे, दुबई किंग के बंदे। तुझे पता है दुबई किंग के मेंशन पे अटैक हो गया और ये सब पीटर ने किया है, तो तुम तीनों लोग ध्यान से सुन लो। और जिमी तू तो यार ध्यान से सुन, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम सब लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है, समझा ना। तो कुछ भी हो जाए कहीं मत जाना, और कमांडोज कुछ भी हो जाए मेंशन के अंदर कोई आना नहीं चाहिए, अच्छे से सिक्योरिटी दो, हर एक कोना अच्छे से चेक करो, और ना मेरी परमिशन के कोई नीचे जाए, समझ गए ना। बहुत से बस तुम लोग ऐसे काम करते रहो। बाकी गाइस मुझे ना एक बार लेस्टर को कॉल करना चाहिए, लेस्टर को तो ये सारी बातें मैंने बताई नहीं है यार। फटाफट से एक काम करता हूँ, पहले मैं उससे बात करता हूँ कि आखिरकार अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि हम लोग बुलेट्स भी नहीं बना सकते। दुबई किंग के पास हेल्प मांगने गए थे पर उसकी तो खुद की बैंड बची हुई है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है,
तो अब करे क्या? तो भी मेरी लेस्टर से यार फोन पे बात हुई और लेस्टर बोल रहा है बिना माइकल के बताए उसे सारी चीजें पता लग गई हैं और अभी हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तो लेस्टर बोल रहा है कि इंडियन डॉन को उसने वहीं पे बुला लिया है, इंडियन डॉन गोल्ड माफिया दोनों वहीं पे है, माइकल भी जल्दी से जल्दी पहुंचे, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अभी पीटर को हमारी कमजोरी पता लग गई है और अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो पीटर हम पे अटैक कर सकता है, हमें खत्म कर सकता है। अभी तक वो सिर्फ हमारे साथ एक मजाक कर रहा है और पीटर को पता है कि हम लोग किससे मदद मांगने जाएंगे, इसीलिए पहले पीटर उन्हें खत्म कर रहा है जो हमारी मदद करने वाला है। शायद इसीलिए दुबई किंग के ऊपर अटैक किया था, पर पीटर को दुबई किंग की पावर नहीं पता है भाई, एक बार वो ठीक हो जाए फिर पता नहीं गाइस दुबई किंग उसके साथ क्या करने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये वाले चॉपर को लेता हूँ और सीधे चलता हूँ गाइस फार्म हाउस की तरफ। सिक्योरिटी वगैरह यहाँ तो एकदम ठीक तरीके से लगी है तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, अपनी फैमिली एकदम सेफ रहेगी। तो एक काम करते हैं फटाफट से चॉपर को भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं फार्म हाउस पे और चल के देखते हैं यार क्या कर सकते हैं। लेसन ने गाइस कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचा होगा क्योंकि अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो पीटर का जो अगला हमला होगा ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो अभी मैं इस हेलीकॉप्टर को लेकर गाइज अपने फार्म हाउस की तरफ पहुँच चुका हूँ और गाइज अच्छा रहा मैं हेलीकॉप्टर लेकर आया हूँ, इससे आने मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो एक काम करते हैं इसे आराम से फार्म हाउस पर लैंड कराते हैं और मुझे नहीं पता ये पेड़ वेड़ में ना टकरा जाए यार, क्योंकि एक तो फार्म हाउस की तरफ ना गाइज बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ हैं, आराम से मेरे को इसे यहाँ पे लैंड कराना पड़ेगा। वो रहा देखो अपना फार्म हाउस, वैसे यहाँ पे गाइज जगह बहुत ज़्यादा है, मैं आराम से कहीं पर भी लैंड करा सकता हूँ। एक काम करते हैं पहले इसको आराम से गाइज नीचे लेकर चलते हैं और मेरे को नीचे ट्रैवर यहीं से दिख रहा है। एक सेकेंड एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पेस है, यहाँ पे इसको आराम से लैंड करा लेते हैं, बहुत सही। एक काम करते हैं यहाँ पे इसको लैंड कराते हैं, मैंने एकदम फार्म हाउस के पीछे बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से हेलीकॉप्टर को लैंड करा दिया है। काम करते हैं जल्दी से चलते हैं, अबे रुक जा रुक, एक सेकेंड भाई गोली चलाने की जरूरत नहीं है, देख रहे हो ना अपने कमांडो यहाँ पर भाग कर रहे हैं और ड्राइवर भी साथ में आया था कि हो क्या गया, अबे मैं हूँ भाई, हद है तुम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हो, वैसे फुट अलर्ट हो रखे है और ड्राइवर ये देख रहे हो गाइस फुल गुस्से में आ चुका है, ड्राइवर का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। एक काम करता हूँ लेस्टर से बात करता हूँ, लेस्टर यार क्या करना है, तेरे को पता लग गया होगा दुबई किंग के बारे में। हाँ यार वही तो यार, पीटर पता नहीं क्या करना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है देख या तो वो मेरे फ़ोन को हैक कर रहा है या फिर हमारे बीच कोई इन्फॉर्मर है, हो सकता है यार कोई हम में से कोई उसे जानकारी दे रहा हो, इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा हो, मुझे पता है यार अपनी टीम के सारे बंदे भरोसे वाले हैं, पर क्या करें यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग जो भी करते हैं पीटर उससे पहले ही कर देते हैं। एक काम कर तू हैकिंग वगैरह कर, पता कर मेरे फ़ोन को तो वो लोग हैक नहीं कर रहे और मैं पता करता हूँ कि हम में से कोई इन्फॉर्मर तो नहीं है। गाइज जो अपना दोस्त है ना गैंग लीडर, चाइनीज गैंग का लीडर, मेरे को उसकी भी हेल्प लेनी होगी, मिलिट्री कर्नल को बुलाना होगा, सबसे बातचीत करनी होगी, कुछ ना कुछ भाई करना होगा, नहीं तो ये पीटर है ना भाई ये हमें परेशान करके रख देगा क्योंकि ये सारे के सारे हमारे दोस्तों को टारगेट कर रहा है, इसीलिए हमें सबको वॉर्न करना पड़ेगा कि तुम सारे लोग ना भाई ठीक से रहो और भाई बस कर ड्राइवर बस कर, मुझे पता है तेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है पर थोड़ा शांत हो जाओ। तो अभी हम लोग यार एक घंटे से फार्म हाउस पर प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं कि आखिरकार हम लोग को पीटर से कैसे निपटना है क्योंकि पीटर अभी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। फिर यार गोल्ड माफिया ने बोला कि पीटर ही नहीं डगन बॉस भी है, वो तो डगन बॉस लॉस सैंटोस के बाहर गया है कोई डील करने, इसे पता लगा, अगर वो यहाँ आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए गाइस हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाकी मेरे पास अभी कैप्टन का कॉल आया था, कैप्टन बोल रहा है उसे माइकल को एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो माइकल उससे आकर मिले। तो मैं काम करता हूँ इन लोग को बोल देता हूँ कि मेरे को ज़रूरी काम है, तो लेसर मेरे पास कैप्टन का कॉल आया था, मुझे यार उसके पास आना है। बाकी तुम लोग कुछ तो सोचो यार करना क्या है, देख इंडियन डॉन हम लोग आर्मी बढ़ाकर कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर हम तेरी आर्मी को भी बुला लेते हैं गोल्ड माफिया की आर्मी को लेते हैं तो भी पीटर सबको ख़त्म कर देगा क्योंकि जो उसकी सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ट्रेवर तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है गाइस, ट्रेवर बोल रहा है कि माइकल डर रहा है, माइकल कमांडोज को मुझे दे और मैं जाकर उन सबको ख़त्म कर देता हूँ। ट्रेवर तुझे क्या लगता है कि मैंने उन लोगों से फाइट नहीं ली है? भाई मैंने उन्हें मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, आरपीजी चलाई, हाईटेक वेपन चलाए, सारे वेपन उनके सामने फेल हैं, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा सूट पहने हुए, थोड़ा शांत रहे भाई। और लेस्टर इसके ऊपर नज़र रखना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तो मुसीबत में पड़ जाएगा। बाकी लेस्टर मैं तेरी कार लेकर जा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल गाइज मेरे पास कोई भी कार नहीं है, एंड जो मैं चॉपर लेकर आया था ना वो चॉपर मैंने कमांडो के साथ भेज दिया है, वो जाकर अपने अपार्टमेंट में लगा देगा। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ गाइज, लेस्टर की कार लेकर चलूँ या फिर ये जी वैगन लेकर चलते हैं? भाई काम करते ना जी वैगन चलाते हैं, बहुत टाइम हो गया है भाई जी वैगन चलाई भी नहीं, ये इंडियन डॉन की है, इंडियन डॉन इसको यहाँ पे लेकर आए। काम करते हैं फटाफट से भगाते हैं, इसकी आवाज़ सुन रहे हो भाई? जी वैगन चलाने का ना एक अलग ही मजा है,
बाकी गाइस जो अपनी वाली जी वैगन है ना वो भी सर्विसिंग के लिए गई है यार, मेरे को उसका भी पता करना पड़ेगा। काफ़ी टाइम हो गया यार अपनी दो तीन गाड़ियाँ सर्विसिंग के लिए गई हुई हैं। सिमियन से पता करना पड़ेगा कि भाई किस बंदे को दे दिया इतना टाइम लगा रहा है, क्योंकि अभी ना अपने को जी वैगन की ज़रूरत पड़ रही है, वो गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बाकी काम करते हैं, फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं गाइस कैप्टन के पास। तो अभी मैं यार अपनी जी वैगन को भगाते भगाते गाइस कैप्टन की लोकेशन पर पहुँचने वाला हूँ, और कैप्टन ने मेरे को यहाँ ब्रिज पर बुला रखा है। मुझे नहीं पता वो यहाँ पे कर क्या रहा है, मेरे को चल के देखना पड़ेगा। और फ़ोन पे मेरे को बोल रहा था कि एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, बस फटाफट से चलते हैं। वो रहा देखो सामने ब्रिज, और ये जी वैगन यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है, पर जो अपनी जी वैगन है ना उसका भाई एक अलग ही जलवा है। तो एक काम करते हैं फटाफट से चल के देखते हैं। और एक मिनट भाई, ये लोग कौन है भाई? काम करता हूँ कार को यहाँ साइड में लगाता हूँ, और ये सुनसान इलाके में इससे आकर क्यों मिल रहा है मुझे नहीं पता गाइस। कैप्टन से बात करते हैं। हेलो कैप्टन, क्या हुआ भाई? ठीक है आजा साइड में बात करते हैं। कैप्टन बोल रहा है कि प्रेसिडेंट एक मिनट साइड में चले, इंपॉर्टेंट बात करनी है। ठीक है हाँ बता, ये लोग कौन है और तूने यहाँ पे क्यों बुलाया? ओके तो कैप्टन बोल रहा है प्रेसिडेंट को पता ही होगा कि ड्रग डीलर लॉस सैंटोस में क्या काम कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है यार, वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। तो क्या करना है, ये लोग ड्रग डीलर हैं क्या? ठीक है तो कैप्टन बोल रहा है कि हाँ भाई ये लोग भी ड्रग डीलर हैं। तो ये छोटे मोटे ड्रग डीलर है, अगर हमें बड़े वाले ड्रग डीलर्स को पकड़ना है तो ये हमारी मदद करेंगे, क्योंकि जब से वो लोग लॉस सैंटोस में आए इनका बिजनेस खराब हो गया और ये लोग कैप्टन से मिलना चाह रहे थे, इसीलिए कैप्टन ने इन्हें सुनसान इलाके में बुलाया। तो कैप्टन ठीक है, ये लोग हेल्प कैसे करेंगे? ओके तो कैप्टन बोल रहा है उसके लिए हमें भी एक ड्रग डीलर बनना पड़ेगा, हमें उन लोगों से ड्रग खरीदना होगा, क्योंकि वो लोग लॉस सैंटोस में आकर ड्रग सेल करते हैं, पर थोड़े बहुत अमाउंट में नहीं, बड़े अमाउंट में। कैप्टन के पास इतना पैसा नहीं है, तो कैप्टन चाहता है कि अगर प्रेसिडेंट इसे पैसे दें तो ये एक बड़े अमाउंट में उन लोगों से ड्रग खरीदेगा, वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को लगाएगा और उन्हें अरेस्ट कर लेगा। तो कैप्टन कोई दिक्कत की बात नहीं यार, इतनी बात तो मुझे फोन पे बता देता भाई, तेरे को जैसा सही लग रहा है तू कर, और पैसों की जरूरत है तो लेस्टर को कॉल कर या फिर सीधे अपने बंकर पे चला जा, वहां तेरे को गोल्ड और पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना? तो एक काम कर, ठीक है फिर तू उस बंदे से जाकर बातचीत कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैप्टन गाइस बोल रहे हैं कि हम लोग ना एक तरीके से ड्रग डीलर की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो लॉस सैंटोस में बड़े बड़े ड्रग डीलर्स हैं जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, वो लोग ना ड्रग सेल करेंगे, और जितने भी छोटे मोटे ड्रग डीलर हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, इसीलिए ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं भाई, इनके वजह से हम लोग बड़े ड्रग डीलर को पकड़ेंगे और उनका किस्सा खत्म करेंगे। ठीक है कैप्टन, तू पैसे वैसे का टेंशन मत ले, सारी चीज़ों का मैं इंतजाम कर दूंगा, बाकी मैं यहाँ से निकलता हूँ। भाई मुझे तो लगा पता नहीं क्या बात करनी है, और कैप्टन को ना शायद इस बंदे से मेरे को मिलाना होगा, इसीलिए उसने मेरे को बुलाया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैप्टन खुद इस मैटर से निपट लेगा, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि ड्रग डीलर से ज़्यादा बड़े मैटर गाइज अभी हमारे पास हैं, वो है पीटर। पीटर का कुछ करना पड़ेगा, स्पेशल बुलेट्स का भी इंतजाम करना होगा गाइज, या तो हमें लॉस सैंटोस के बाहर से स्पेशल बुलेट्स मंगवानी पड़ेंगी, क्योंकि लॉस सैंटोस में तो हम लोग बनवा नहीं सकते, साइंटिस्ट गायब हैं। हम लोगों ने ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, उनके फ़ोन वगैरह ट्रैक करे, बहुत ज़्यादा पता लगाया, पर कुछ भी पता नहीं लग रहा है। बाकी यार फटाफट से यार यहाँ से निकलते हो और चल के यार अपनी टीम से बात करते हो, और इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मजा आया, अगर मजा आया प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके यार जरूर बताना कि हम लोग को आखिरकार करना क्या चाहिए, भाई पीटर से कैसे लड़े, क्योंकि पीटर के पास बॉडी सूट है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी खतरनाक है, अगर हम लोग उन्हें मारने जाएं तो हम लोग उन्हें मार भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तगड़े वाले वेपन्स नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है गाइस पीटर भी वेपन्स का इंतजाम कर रहा होगा, क्योंकि वो भी हमारे बीस्ट कमांडोज को कुछ कर नहीं पा रहा, पर अगर पीटर के पास तगड़े वाले वेपन्स आ गए तो वो हमारे कमांडोज को ख़त्म कर देगा, हमें ख़त्म कर देगा और लॉस सैंटोस पे कब्जा कर लेगा। इससे पहले पीटर खतरनाक वाले वेपन बनाए गाइस, हमें खुद इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये फटाफट से निकलते हैं और इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मजा आया, अगर मजा आया प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बाकी गाइस मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।